जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के महामुकाबले की प्लेइंग 11 के बारे में, जो आज शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। तो बिना किसी देरी के दोस्तों आपको एक जानकारी दे कि चेन्नई और राजस्थान के बीच अब तक पूरे आईपीएल के इतिहास में 23 बार आमना सामना हुआ है, जिसमें से 14 बार चेन्नई ने जीत हासिल करी है, तो वहीं सिर्फ 9 बार राजस्थान मुकाबले पर जीत दर्ज कर पाई है। यानी कि आज के मुकाबले में भी चेन्नई का दबदबा हो सकता है खबरों के मुताबिक। लेकिन दोस्तों बात करें और भी, तो यहां पर राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 जो सामने आ रही है उसमें ज़्यादा कुछ बड़े बदलाव नजर नहीं आ रहे हैं। जॉस बटलर, मनन वोहरा, संजू सैमसन, डेविड मिलर, शिवम दुबे, रियान पराग, राहुल तेवतिया, क्रिस मॉरिस, जयदेव उनादकट, मुस्तफिजुर रहमान और चेतन सकारिया। मनन वोहरा दोस्तों पिछले कुछ मुकाबलों से फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं, अगर कोई बदलाव हो सकता है तो सिर्फ उनको लेकर ही हो सकता है। लेकिन पिछला मुकाबला टीम ने जीत दर्ज करी थी, तो हो सकता है किसी प्लेइंग 11 के साथ उतरना पसंद करे और मनन वोहरा को कुछ और मौके दिए जाएं। बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की, जो पिछले मुकाबले में शानदार वापसी करी थी, तो ये वापसी इनके कितने काम आएगी इस मुकाबले में पता चलेगा, क्योंकि क्या वापसी सिर्फ एक मैच की थी या पूरे सीजन की है तो आज के मुकाबले में पता चलेगा। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़, फाफ डु प्लेसिस, मोइन अली और सुरेश रैना, अंबाती रायडू, महेंद्र सिंह धोनी जो कप्तान और विकेट कीपर की भूमिका निभाएंगे, सैम करन, ड्वेन ब्रावो, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर। दोस्तों अगर कोई बदलाव हो सकता है तो वो ड्वेन ब्रावो की जगह लुंगी एनगिड़ी हो सकता है। बाकी टीम इसी प्लेइंग 11 के साथ उतरना पसंद करेगी, क्योंकि पिछला मुकाबला जीत दर्ज करी थी। तो अगर आप दोस्तों ड्रीम 11 पर टीम बनाते हैं, तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ड्रीम 11 की टीम के बारे में, कि आप कौन सी प्लेइंग 11 में अपने खिलाड़ी चुनिए। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।